वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग वीडियो गाइस। तो आज का वीडियो मैं कुछ दिखाऊंगा क्योंकि मैं जा रहा हूँ घूमने के लिए, और घूमने के लिए रजरप्पा जा रहा हूँ, मंदिर होता है वहाँ जा रहा हूँ घूमने के लिए। तो रजरप्पा कहाँ पड़ता है? झारखंड में पड़ता है। हाँ, तो झारखंड हम लोग जा रहे हैं। तो अभी टाइम कितना हुआ? 7:49, मतलब 10 मिनट बाकी है। 7 बजे हम लोग निकलेंगे यहाँ से, फिर कल सुबह पहुँचेंगे। 8 घंटा टाइम लगता है, 8 घंटे में रजरप्पा पहुंच जाएंगे। फॉर्चुनर से जा रहे हैं हम लोग। तो आगे जाके भी आपको रास्ते में कैसा रास्ता कटता है जाने में, तो आप लोगों को भी वीडियो दिखाऊंगा कैसे कैसे हम लोग जाते हैं। तो गाइस हम लोग बैग लेके और इधर देखो कैमरा लेके जा रहा है रजरप्पा। तो आगे का वीडियो क्या होता है मैं आप लोगों को दिखाऊँगा। तो फाइनली दोस्तों हम लोग गाड़ी पे बैठ चुके हैं। देखिए मेरा भैया है, इधर देखिए मेरा अंकल है। हम लोग जा रहे हैं रजरप्पा जो झारखंड में पड़ता है, इधर घूमने के लिए। तो आगे का वीडियो भी तो रात हो चुका है, 8 बज चुका है। फिर कल जाऊंगा, कल पहुँचूंगा, मतलब नहीं 8 घंटे में पहुँच जाऊँगा। तो आगे का वीडियो आप लोगों को दिखाऊँगा। तो गाइस हम अभी होटल पर रुक गए हैं, यहाँ से खाना वाना खा के फिर निकलेंगे। तो इधर देखिए मेरा दोस्त लोग फुल बैठा हुआ है। तो यहाँ पे खाना वाना खा के भी चलेंगे, यहाँ से 2 घंटा और लगेगा जाने में अभी। तो अभी थोड़ा सा खाना वाना खा लेता हूँ, भूख लग गया था इसलिए खाना वाना खा के जाऊँगा। तो दोस्तों हम लोग को रजरप्पा पहुंचते पहुंचते सुबह हो गया था, शाम रात से सुबह हो गया था, इसीलिए हम लोग 4-5 बजे पहुंचे थे रजरप्पा, जाते जाते सुबह ही हो गया था। तो चलते हैं, देखो मंदिर यहीं से द्वार है अंदर जाने का। तो फाइनली दोस्तों हम लोग रजरप्पा पहुंच चुके हैं, यहाँ पे रूम लिए हैं, रूम बुक किए हैं होटल, जो यहीं पे रहना खाना पीना सब कुछ यहीं पे होगा। उधर जाऊंगा पूजा करने के लिए, और आपको बहुत सुंदर सा नज़ारा दिखाने वाला हूँ पीछे की तरफ। तो आप लोग देखिए मेरा दोस्त लोग इधर दिख रहे हैं, मैं आपको बैक कैमरा करके दिखाता हूँ पीछे का नज़ारा क्या होता है। दोस्तों रूम के पीछे के नज़ारा देख सकते हैं कितना हरा भरा सा है, और ये नदी, इसी नदी में हम लोग नहाने आए हैं और नहा के पूजा करने वाले हैं। तो देखिए कितना क्यूट सी नज़ारा है, और इतना सुंदर नज़ारा पहली बार देखने के लिए मिला। और इधर देखिए आप लोग कितना अच्छा दिख रहा है, यही पानी से हम लोग नहाते हैं, यहाँ पे मछली भी चढ़ती है। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, देखिए दूर से तो दिखेगा नहीं लेकिन हम लोगों को दिखता है पास में जाता हूँ। तो ये मेरा दोस्त लोग देखो उधर से आ रहा है, और दोस्तों लोग देखो उधर बाहर जा रहे हैं घूमने के लिए, उधर गाड़ी लगा हुआ है, और दोस्तों इधर मस्ती कर रहे हैं। तो आप लोगों को इधर कैमरा करके दिखाता हूँ, ये लोग देखो मस्ती खूम कर रहे हैं, आपस ही में मस्ती कर रहे हैं, उधर हाय बोल रहा है, और देखो ये दोनों कैसे करते हैं आपस में, देखो फुल मस्ती कर रहे हैं, देखो ये दोनों को। तो भाई थोड़ा सा मैं भी मस्ती कर लिया, ये देखो। तो दोस्तों हम लोग जा रहे हैं अभी पूजा करने के लिए, बैग सब लेके जा रहे हैं, रूम पे नहीं धरे हैं क्योंकि ठंड बहुत है ना। तो बैग लेके वहाँ पे नहाएंगे, पूजा करेंगे, तो वहीं पे कपड़ा वपड़ा खोल के रखेंगे, इसीलिए बैग हम लोग रख लिए पीछे रख लिए। और कैमरा मेरा भाई पीछे लेके आ रहा है, ये भी ब्लॉगर है। तो दोस्तों मेरा दोस्त लोग सब साथ में है और शादी में जाएगा। तो दोस्तों फाइनली हम दुकान पे पहुंच चुके हैं यहाँ से, प्रसाद उरसाद सब कुछ लेके और पूजा करेंगे। इधर देखिए गमछी खरीदेंगे और यहाँ से सामान खरीद के फिर जाएंगे पूजा करने के लिए। इधर मेरा दोस्त देखिए गमछी खरीद रहा है, मैं भी खरीदूंगा।
तो दोस्तों हम लोग कपड़ा खरीद चुके हैं, अब जा रहे हैं नहाने के लिए। इधर भी साबुन भी लेने नहीं था दोस्त, 10 रुपए का साबुन ले। नहीं ये झूठ बोल रहा है, पैसा इसके पास बहुत सारा है। तो दोस्तों हम लोग जा रहे हैं, यहाँ से निकल चुके हैं, अंदर जाएंगे नहाने के लिए नदी में। तो वहीं पे नहाते हैं सब लोग। इधर देखिए सामान मिलता है, और आप लोगों को आगे चल के दिखाता हूँ। बहुत धूप है, ठंड तो इतना बढ़ रहा है, खाली पैर जा रहा हूँ तो पैर में ठंड लग रहा है, ठंड तो बहुत है। तो फाइनली दोस्तों हम पहुँच चुके हैं जहाँ पे नहाने वाले हैं। इधर देखिए इधर नहाएगा, और आप लोगों को आगे दिखाता हूँ, आगे चल के दिखाता हूँ। हम लोग देखिए इधर नहाता, इधर देखिए धारा बह रहा है, इसी में हम लोग नहाएंगे। और आप लोगों को और दिखाता हूँ, इधर देखिए इसी में हम लोग नहाएंगे। तो आप लोगों का बैक कैमरा करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों देखिए हम लोग इसी में नहाने वाले हैं, और इसमें नहा हुआ के पूजा करेंगे। इधर देखिए कितना तेज रफ्तार से पानी बह रहा है, तो इसी में नहाएंगे। मेरा दोस्त लोग इधर है, देखिए सब ये गर्म पानी गिर रहा है इसमें, इधर से नहा के आओ, गर्म पानी में नहाओ। तो दोस्तों हम लोग नहा चुके हैं, नहा हुआ के प्रसाद लाने के लिए जा रहा हूँ। इधर से देखो मंदिर का रास्ता है, और यहाँ पे प्रसाद ले लेते हैं, जो माता दी को चढ़ाने के लिए चुनरी भी ले लेते हैं। ये भाई साहब से ले लिया, और इधर यही देखो दरबार है मंदिर का, इधर ही से जाऊँगा। इधर कमल का फूल ले लेता हूँ थोड़ा सा, जो माता दी को बहुत पसंद है। तो दोस्तों जो ये दिख रहा है अंदर जाने का रास्ता इसी में से है, और ये जो बिल्डिंग है ना, बिल्डिंग के अंदर हम लोग लाइन लगाते हैं। ये देखिए इधर ही लाइन लगना पड़ता है, इधर ही। तो आज का दिन संडे है, तो इसलिए इधर काफ़ी भीड़ लगा हुआ है। लाइन में खड़ा होकर 2 घंटा बिताना पड़ता है, तब जाके माता दी का दर्शन होता है। इधर देखो मेरा दोस्त लोग है जो लाइन में लगा हुआ है, अभी 2 घंटा लाइन ही में लगेंगे। मेरा सारा दोस्त है इधर। कोई लोग ऐसे होते हैं कि अपने लाइन छोड़ के दूसरे की लाइन में घुस जाते हैं, तो भाई दर्शन करने आओ माता दी का, चीटिंग मत करो, अच्छे तरीके से पूजा करो। जो ऐसा पटरो और खसी यहाँ पर 100-150 रोज बलि दिया जाता है। ऊपर से भी देख लो माता दी का मंदिर कैसा दिखता है। और हम मंदिर पहुँच गए, इधर पूजा कर रहे हैं सब लोग, मैं भी करूँगा इधर पूजा करके फिर बाहर जाऊँगा। इधर देखो बाहर का नज़ारा देखो कितना अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों हम लोग पूजा कर चुके हैं और अपना रूम पे जा रहे हैं, जहाँ पे रूम बुक किए थे। और फिर देखेंगे यहाँ पे घूमने के लिए कौन कौन सा अच्छा अच्छा सीन है, और मैं शूट करूँगा और आप लोगों को भी दिखाऊंगा। तो आप लोगों को फिर से दिखाता हूँ, देखिए इधर कितना जगह झरना है, इधर देखिए। कितना मस्त नज़ारा है, आप लोगों को पूरा मैं दिखाता हूँ। और इधर इतना क्यूट क्यूट सा नज़ारा है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। पीछे देखिए पानी बह रहा है, इधर देखिए कितना मस्त नज़ारा है। पीछे भी पब्लिक, बहुत सारा पब्लिक है पीछे, दिखने में तो बहुत अच्छा नज़ारा आ रहा है। इधर भी देखिए कितना मस्त है। तो आप भी आइए और रजरप्पा और घूम घूमिए, पूजा कीजिए। देखिए मैं तो कैमरा लेके आया था, कैमरा से कुछ फ़ोटो शूट किया हूँ। और इधर देखिए उधर तो लड़की है, लेकिन देखना नहीं चाहिए, आप लोगों को जूम करके दिखाता हूँ, देखिए। तो गाइस आप लोगों को और क्यूट सी नज़ारा दिखाने वाला हूँ। देखिए इधर नाव है, हम लोग नाव पे बैठने के लिए जा रहा हूँ और ऐश मौज करने वाला हूँ। तो आप लोगों को बैक कैमरा करके दिखाता हूँ यहाँ पे नाव कितना है। हम लोग जितना दोस्त है सब लोग नाव पे घूमने जा रहे हैं। इधर देखो तो दोस्तों देखिए इधर नाव चलता है, देखिए ये देखिए नाव, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। हम लोग जा रहा हूँ नाव पर सैर करने के लिए। अभी तो देखे होंगे नहीं, कभी लाइव में कभी बैठा हूँ नहीं, पहली बार बैठने के लिए जा रहा हूँ और सैर करने के लिए जा रहा हूँ। तो आप लोगों को बैठ के वीडियो दिखाता हूँ। तो फाइनली दोस्तों हम लोग नाव पे बैठ चुके हैं, ये देखिए नाव है इधर, बहुत सारा नाव है, और हम लोग नाव पे बैठ के आइस करने वाले हैं। तो हम लोग नाव पर बैठ चुके हैं, देखिए इधर नाव पर हम लोग बैठ चुके हैं और मौज मस्ती करने वाले हैं। तो आप लोग भी वीडियो पर बने रहें और रजरप्पा आइए और खूब मौज मस्ती कीजिए। देखिए मेरा दोस्त आ गया, सारा दोस्त तो एक ही नाव पे बैठा हुआ हूँ, तो बहुत मज़ा आता है घूमने के लिए इधर। तो आप लोग भी आइए और खूब मस्ती कीजिए, फुल मस्ती कीजिए भाई। हम लोगों को बहुत मज़ा आ रहा है घूमने के लिए, देखिए बीच में पानी में आ गया हूँ। इधर घूमने के लिए बहुत मज़ा आ रहा है, समुंदर का ही नज़ारा होता है, समुंदर नहीं है लेकिन मज़ा आ रहा है घूमने के लिए। देखिए मस्त सीन है, बहुत झकास लग रहा है, क्या बताऊँ यार आप लोगों को। देखिए मेरा दोस्त लोग सब लोग हैप्पी है, नाव पे मजे ले रहे हैं। देखो इधर पानी है, कितना नज़दीक में मेरा पानी है।
अगर नाव डूब गया तो समझो खत्म। अगर नाव डूबा तो हम लोग खत्म। लेकिन नहीं, मुझे तैरना आता, हम लोग सारे दोस्तों को तैरना आता है, कोई भी नहीं डूबेगा। मोबाइल चल जाएगा। हाँ पता, मोबाइल खराब हो सकता है, इधर कैमरा भी खराब हो सकता है, लेकिन हम लोग खराब नहीं हो सकते क्योंकि हम लोगों को तैरने आता है। कितना बड़ा समुंदर हो उससे निकल सकते हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग इसमें नहाए हैं। यहाँ पे देखो माता दी का मंदिर, तो यहाँ मंदिर है, जो 8 मंदिर है। ऊपर से देखो कितना अच्छा नज़ारा दिख रहा है, और आपको अंदर दिखाता हूँ। एक हुआ इधर, दो हुआ ना, एक तीन, एक चार, एक पाँच, छः, सात, और ये लास्ट में 8। तो ये सब माता दी का मंदिर है, तो नाम तो नहीं जानता हूँ। और लास्ट में देखो, जो इसी मंदिर में हम लोग पूजा किए थे, और इधर का भी सीन अच्छा खासा है। का पेड़ा बहुत फेमस है, तो आप लोग आइएगा तो पेड़ा लेना नहीं भूलिएगा। इधर सब सामान मिलता है, होटल भी है खाना खाने के लिए। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक ऐड करता हूँ।